अब मैं जवाब दे दूं? मैं ये चले हैं पहली बात तो यहाँ शहादत पे कोई डिबेट नहीं हो रही, और मैं आपको आज देखिए मैं बहुत देर तक सुना रूबिका जी, और मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूँ। उसकी खिल्लियाँ मत उड़ाना रूबिका जी, मैं एक ऐलान रूबिका जी प्लीज, रूबिका जी मैं यहाँ हाँ हाँ परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी, मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते जहाँ कच्चा चबा दिया जाता था, भगवान राम ही बचाए मुझे। आप कच्चा चबा जाते हैं, नहीं नहीं आप बताओ ये किसको किसको बुलाती हैं रूबिका जी, मुझे ऐसे लोगों के साथ डिबेट करवाना पड़ता है, आपको करवाना पड़ता है। अब आप बात कीजिए, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े जोकर हैं। नहीं रूबिका जी सुप्रीम सुनीत रुकिए एक सेकंड रुकिए रूबिका जी मुझे ये बताइए बड़ा मुद्दा क्या है। राहुल गांधी की परिवार की शहादत नहीं रूबिका जी, मैं ये एबीपी न्यूज़ पे भागने लेना चाहिए। नहीं रूबिका जी जस्ट अ सेकंड रूबिका जी मैं एबीपी न्यूज को कंप्लेंट करता हूँ। मैं यहाँ पर बतौर एक पैनलिस्ट बैठा हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ पार्टी का, यहाँ तू तड़ाक सुनने नहीं आता। मैंने किसी को भी तू नहीं कहा, मैंने मेरे यहाँ दूसरी प्रवक्ता कॉमेडी सेंटर में जाया करिए, यहाँ मत आया करिए, एक बार भी आप कॉमेडी सेंटर के लायक है, वहाँ पर आप अच्छा करिएगा। रूबिका जी मैं एबीपी न्यूज को यह एड्रेस कर रहा हूँ, कैसे लोगों को आप बुलाते हैं? आपने अपनी बात रख दी, कैसे लोगों को बुलाते हैं? किसी ने इंटरप्ट नहीं किया था, जिन सजेशन दे रही हूँ। ओके 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 आप रुक जाइए, आप उनको कहने दीजिए। रूबिका जी आपकी बात सुनी किसी, हर किसी ने बेरोक आपकी बात सुनी, अब आपको वो मौका देना चाहिए। सामने कम होगी मेरी आवाज, मेरी क्यों कम होगी? नहीं कौन कौन कर रहा है आपकी आवाज कम? आप रुक जाइए सुप्रेश ने, रूबिका जी क्या मैं गलत ना सुनती हूँ ना कहती हूँ, मैं गलत लेकिन सुनूंगी मेरी रूबिका जी, ये सुन लीजिए आप। नहीं रूबिका जी मैं बिल्कुल, आप डिबेट कराइए प्लीज रूबिका जी, ऐसे नहीं हो सकता है, ये ऐसे नहीं हो सकता है, चुपचाप आप रूबिका जी इनको शांत करिए, तब रुक जाइए। और एक्चुअली हो ये रहा है कि मेरी आवाज उन तक लेट पहुंच रही है, फिर उसके बाद वो वापस रिएक्ट कर रही है, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ, डिले इज मेकिंग अ प्रॉब्लम। सुप्रीम श्रीनेत प्लीज अब आप कुछ रिस्पांस मत दीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। समझ रहा हूँ सम्यक पात्रा। रूबिका जी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया जाए, यहाँ हम तू तड़ाक और गंदी भाषा सुनने नहीं आते। मोदी जी के लिए क्या क्या भाषा नहीं कहा गया, चोर तक कहा गया मोदी जी को, हमने कभी किसी भी प्रवक्ता को ऐसी गाली दी? ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बतखिया तुम्हारी उदेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? और मैं कहता हूँ राहुल गांधी को बचाते बचाते ये कांग्रेस की पार्टी का प्रवक्ता पागल हो जाए, कुछ भी कहिए, ईश्वर रहम करे, मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे लीडर को, भगवान तुम्हारा लीडर तो तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है, तुम्हारा लीडर बुद्ध, अरे अध्यक्ष नहीं है वो, बुद्धू है, अरे बुद्धू है, क्या बचा रही हो आप, छोड़ो ना, अरे बुद्धू है, बुद्धू है, अरे कहना क्या चाहते हो? लीडर बैठो ना, डिबेट करने आए हो ना, करो डिबेट, ये किसको ले किसको लेके आते हैं आप रूबिका जी, किसको लेके आते हो? अनपढ़ गवारों को मत बुलाया करें डिबेट में रूबिका जी, आप बताइए इनके आरोग्यंस को देखिए। अब मेरे पास आखिरी के कुछ लम्हे बचे हैं, ये अनपढ़ गवारों को देखिए, स्पेशली इसीलिए बुलाया गया, उत्तर तो दे दो सुप्रेश ने, रुक जाइए, हाँ ठीक है आप कह दिया है कि आप दोनों ने एक एक पॉइंट स्कोर कर दिए ना सर, दोनों ने कर दिए ना सुप्रीश ने, सम्यक पात्रा आप दोनों ने कर दिए, एक एक मार्क्स दोनों को दे दिए मैंने, ठीक है हाँ ठीक है दोनों को एक एक मार्क्स इसके लिए दे दिया सम्यक पात्रा जी। मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल मुझे आपके मार्क्स नहीं चाहिए। देखिए रूबिका जी हम डिबेट कर रहे हैं राहुल गांधी, इतना शानदार आपने नाम दिया है, मार्क्स तो लेने पड़ेंगे।